रायगढ़ जिला जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत पर चल रहा है, यहां सभी काम नियम कायदों को ताक पर रखकर किए जाते हैं। फिर चाहे नजूल जमीन पर मॉल या मकान बनाना हो या फिर लोगों की हक छीनने वाली बात हो। ऐसा ही कुछ महापल्ली के कोटमार स्थित इंडस एनर्जी लिमिटेड का उद्योग प्रबंधन कर रहा है। इनके द्वारा सपनई नदी से बिना जल संसाधन की अनुमति के पिछले एक साल से बेतहासा जल दोहन किया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी मौन सादे बैठे हैं, जबकि वहीं यहां के ग्रामीणों ने गर्मी में निस्तारी के लिए नहर में पानी छोड़ने की मांग की तो जल संसाधन के अधिकारियों ने पानी न होने की समस्या बताकर मना कर दिया। इसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, लोग आंदोलन तक कर रहे हैं, लेकिन मामले में अब तक आला अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। क्या काम करते हो? कब से पानी जा रहा है इसमें? साल भर से ज्यादा हो गया। पानी कहाँ जा रहा है? कौन से कंपनी में? इंडेग्रो में जा रहा है। अच्छा, कब से? लगभग कितने साल हो गया? साल भर होने लगे पानी यहाँ से लेने का। प्लांट को पानी देने का निर्णय अभी अभी कोर्ट द्वारा किया गया है, तो उसके लिए वो वाटर मीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है। वाटर मीटर लगाने के पश्चात तो इंडस एनर्जी को पानी देना हमारी बाध्यता हो जाएगी, क्योंकि वो कोर्ट से डिसीजन हुआ है।